नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे मौसम मिजाज को लेकर। जी हां, मैं जिक्र करूं तो दिन भर हो रही मूसलाधार से कहीं जगह लोगों को बढ़ते जलस्तर से परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम पचौदून विकास नगर से लेकर राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून के चंद्रमणि क्षेत्र में बारिश का जलस्तर इतना बढ़ गया कि राहगीरों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं इस बढ़ते जलस्तर से मुख्य मार्ग पर मलबा भी इतना देखने को मिला कि दोपहिया वाहनों को रास्ते से गुजरने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इस संबंध में हमारे सहयोगी रिपोर्टर प्रदीप भंडारी द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका मौका मुआयना किया गया। वहीं हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने बताया कि मौके पर नगर निगम की टीम जरूर पहुंची है, लेकिन कब तक इस बढ़ते जलस्तर से और इस बढ़ते जलस्तर के साथ मुख्य मार्गों पर पड़े मलबे से कब तक छुटकारा मिल पाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जानते हैं इस संबंध में स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। और पानी पीछे का आ रहा, बारिश तेज आ रही ना आज। देखो बारिश का मौसम तो इतना खराब रखा है, सुबह से बारिश हो रही है, इतना पानी आ रखा है, इतना मलबा आ रखा है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को भी दिक्कत हो रही बहुत, और दुकानदार भी सब परेशान हो रखे हैं। कम से कम 4 फीट पानी चल रहा है यहाँ पर। गाड़ी वाले भी परेशान है, तो पब्लिक परेशान है, कोई कस्टमर आने को तैयार नहीं है, कोई देखभाल भी नहीं यहाँ पर हो रही है अभी, ना तो कोई मशीन आ रही है हटाने के लिए मलबे को। घरों में भी कितना पानी भर गया है, लोगों की दुकानों के बाहर भी अंदर जा रखा है, और सब परेशान हो रखे हैं, दुकानदार भी और मकान मालिक भी परेशान हो रखे हैं। नगर निगम के कर्मचारी भी आ रखे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ के, और जैसे भी बोल रहे हैं मंगाने के लिए कि जब जैसे भी आएगी तब यहाँ से सब मलबा हटेगा, तब रास्ता खुलेगा। अब रास्ता कब खुलेगा अभी यह पता नहीं, क्योंकि कितना घंटे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश भी बढ़ती जा रही है और पानी का कोई संभावना नहीं है, और भी बढ़ सकता है अभी। आपने देखा मौसम को लेकर आज की खास खबर में राजधानी देहरादून के हालचाल। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।